नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। इस वक्त हम देहरादून के दून अस्पताल में खड़े हैं और यहां पर हम आए थे किसी काम के सिलसिले में, लेकिन एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई और जो अपना मेडिकल बनवाने आए थे, लेकिन उनसे थोड़ी बातचीत करने पर हमें पता चला है कि उन्होंने घर बैठ कर कड़ी मेहनत कर कर IIT क्वालिफाई किया है। अब आपसे सीधे रूबरू कराते हैं उनसे, तो सर अपना परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम कमलप्रीत सिंह जस्सल है, मेरी आयु 26 वर्ष है और मैंने IIT धनबाद में MBA के लिए इस साल क्वालिफाई किया है। मैंने इसके लिए खुद ही प्रिपेयर किया है, घर पे कहीं से कोचिंग नहीं लिया है। इनिशियली मेरा एम था कि मैं आर्म्ड फोर्सेज में ज्वाइन करूँगा, पर जब मेरे SSB के चांसेस एग्जॉस्ट हो गए ड्यू टू एज, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं MBA के लिए अप्लाई करूँगा और CAT में मेरा परसेंटाइल 89% था और उसके बेसिस पर मैंने IIT क्वालिफाई किया है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि जैसा आपको आपने कैसे सोचा कि मुझे घर बैठकर ही इस चीज़ पे ज़्यादा, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े संस्था कोचिंग वगैरह देते रहते हैं, लेकिन घर बैठकर अपनी मेहनत के जरिए ये सफलता पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आपने कैसे ये सोचा कि अन्य जगह ना जाकर घर बैठकर ही इस चीज़ को? देखिए, जो जहाँ तक कोचिंग की बात है, वो तो मेरे फ्रेंड्स लेते थे तो मुझे आइडिया रहता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाते हैं। तो एक बार जब आपको आइडिया लग जाए तो आप YouTube वीडियोस वगैरह फॉलो करके, साइट्स फॉलो करके खुद घर पे पढ़ सकते हैं। मटेरियल तो सेम रहता है, और बाकी अगर आपके पास सही मटेरियल हो पढ़ने के लिए तो कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चाहे घर हो। तो आपसे लास्ट सवाल कि अगर अभी आपका हो गया तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, समाचार इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और सीधे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग एजुकेशन पे शुरू से फोकस नहीं रखते हैं, भेड़ चाल में बहुत रहते हैं। तो आपको जो भी तैयारी करनी है उस चीज़ में जाइए जिसमें आपका पैशन है, और लोगों की कही सुनी बातों पे यकीन मत करें। अगर आप में दृढ़ निश्चय है, आप हार्डवर्क से कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक। और घर बैठकर कड़ी मेहनत कर एक संदेश दिया है, और आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें और अपने भविष्य को सुनहरा करें। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।